तो दोस्तों माय यूट्यूब चैनल प्रेम ब्लॉग वहाँ पे सभी का स्वागत है। और जो हम पढ़ा रहे हैं टेंथ की मैथ पढ़ा रहे हैं, तो हम जो आपको पढ़ा रहे वो एकदम एग्जाम की सटीक पढ़ा रहे। जैसे ही अभी कल एग्जाम लगी थी, सप्लीमेंट्री लगी थी 10वीं की एग्जाम, तो उसमें मतलब जो हमने पढ़ाया ना अभी तक आपको वीडियो में प्रोमेट्रिक्स, उससे भाई 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे, भाई 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ो भाई। और देख दोस्तों वीडियो को लाइक करा करो यार, क्योंकि यार मैं वीडियो आपके लिए तो बना रहा हूँ, और आप जब आप ही लाइक नहीं करेंगे तो हम कैसे बने भाई। हम आपके लिए और आप हमारे लिए, भाई हम आपके लिए कर रहे तो तुम हमारे लिए करो ना, जिससे हमें भी एनर्जी मिले भाई। हाँ भाई पढ़ाया उसका कुछ आउटपुट मिला है, हम पढ़ाते जा रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे, तो भाई इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम है ना। तो भाई आज के बाद ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करा करो। देखो भाई क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अपन को क्या गुना करना है दोस्तों, कैसे करें देखो। सबसे पहली बात तो ये कि अपन को ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर करना होता है, तो सबसे पहले अपन इस वाले पक्ष को बराबर करते, क्योंकि कभी भी करते तो एल एच वाला और आर एच वाला, मतलब कि राइट हैंड लेफ्ट। तो अपन इसको क्या कोट को क्या लिख सकते, कोट को अपन लिख सकते हैं कॉस बटे cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस माइनस है। तो tan को क्या लिखे अपन, sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं भाई। sin थीटा बटे cos थीटा होता है क्या, होता है tan थीटा। अब अपन क्या करते भाई, लघुत्तम लेते, तो लघुत्तम ये तो अपन एक बार sin को लिया, sin थीटा cos थीटा, तो भाई sin का भाग sin में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos, और cos बना cos करेंगे भाई cos स्क्वायर हो जाता है, क्या हो गया दोस्तों cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आगे जो sin स्क्वायर cos थीटा आ गया, तो इसको कैसे करेंगे भाई। अब देख भाई अपन एक चीज करनी है, अपन को लाना एक चीज, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लग सकता है, 1 माइनस sin, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा अपन ने, माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देख भाई अब अपन एक ये माइनस को और ये माइनस को क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। बहुत sin स्क्वायर थीटा वो sin थीटा cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये तो लाना था अपन को भाई, और ये अपने आ गया, आया कि नहीं आया भाई। अपन ने cos की जगह भाई cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 cos की जगह अपन ने लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अपने दोस्तों को करना होता है। अब तो वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक रहा है, क्वेश्चन तो लाइक करो शेयर करो भाई जल्दी जल्दी। अब अगला क्वेश्चन की बात करते अपन, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो आप अपने जितने भी दोस्त पढ़ते छोटे जो 10वीं क्लास में पढ़ते उनके भाई उनसे बोल दो कि वीडियो आ गया है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन का कोस, सॉरी कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या लाना भाई अपन को, 1 माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, ये अपन को लाना भाई। देख तो ये कैसे आया भाई, सबसे पहली बात तो अपन को ये कैसे लाना है, तो भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकते भाई, लिख सकते हैं। अब अपन को पूछ रहे भाई, ये अपन ने लिख दिया, एक सूत्र होता भाई, इसको अपन खोलेंगे तो क्या होगा भाई, देख कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin फिर cos है पहले, ये इस प्रकार से अपन लिख देते भाई। तो अब लिखने के बाद भाई ये अपन जो
किसकी जगह लिखा अपन ने इसकी जगह, तो भाई अपन को cos स्क्वायर टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपन लेते थे गुणा कर देते दोनों तरफ, तो कोई प्रभाव पड़ेगा तो ही कोई प्रभाव, मुझे तो नहीं लगता भाई कोई प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एक लिख सकते हैं। तो अपन ने लास्ट में भाई 1 - 2 थीटा से जोड़ने पर या फिर घटाने पर, तो अपन क्या करेंगे भाई, घटाने पर या जोड़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, तो अपन सॉरी साइन और ना, तो अपन ने भाई यहाँ पे लिखा 2 cos θ साइन θ, इस प्रकार से अपन ने इसको लिखा है। और लिखने के बाद भाई क्या होता भाई कि इसकी जगह अपन एक लिख सकते भाई, इसकी जगह पूरी की जगह एक लिख सकते अपन, तो एक लिखा अपन, एक का पावर किया, फिर इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे भाई, ये तो ऐसे कैसे जाएगा भाई, ये वाला और ये वाला, तो अपन क्या होगा भाई कि चिन्ह माइनस होगा, तो एक लिखना पड़ेगा अपन को दोनों में से, तो भाई कौन से लिखेंगे जल्दी बताओ भाई, देखो बताओ भाई बताओ, अरे भाई जल्दी बताओ भाई, माइनस 2 cos θ साइन cos थीटा, लिखो जल्दी जल्दी करो यार भाई। अब क्या करते भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते अपन, एक लिख सकते भाई, क्या लिख सकते एक, तो एक माइनस 2 cos θ साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया भाई, इसकी जगह हम पूरे की जगह हमने क्या लिखा, एक एक लिखा भाई, और ये अपन ने क्या ऊपर नीचे गुणा किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर बाद में ये आ गया माइनस, तो ये अपन ने यहां लिख दिया, इसकी जगह अपन टोटल एक लिखा। तो अब देख दोस्तों जो ये तो चाहिए अपन को और ये अपन का आ गया, इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए भाई और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को क्वेश्चन नंबर 13, sec थीटा माइनस cos θ माइनस tan थीटा बराबर में भैया अपन को दे रखा है, ये लेके आना भाई अपन को। तो देखो ये कैसे लेके आएंगे अपन, देखो मतलब आप हमारे साथ बने रहो दोस्त, देखो तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ कि ये क्वेश्चन मतलब अपन को दे रखा है, ये हल करके लेके आना भाई, इसको सॉल्व करने के बाद में अपन को ये वाली वैल्यू लेके आनी, तो ये वैल्यू कैसे लेके आएंगे भाई, अपन को कुछ नहीं करना, बोला है वो अपन को लिखना भाई, जो बोला है वो लिखना भाई। इसका मतलब क्या होता है भाई, 1 cos θ माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिखते भाई ठीक। इसको कॉट को क्या कहते हैं अपन, cos θ बटे sin थीटा कहते हैं, और टेन को कहते हैं अपन sin थीटा बटे cos थीटा। अब बताओ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा अपन ने, तो देख भाई तो इसको अपन ने माना एक माना भाई, तो अपन क्या लेंगे लग उत्तम यहां पे cos, तो cos से cos कहते एक बचा और एक बार जाए होती है क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा बचा, किसी का भी चिन्ह नहीं तो गुणा चिन्ह। अब अपन इसको करते भाई, तो अपन इसका लघुत्तम लिया तो क्या हो गया भाई, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा कट गया या फिर भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक cos बचेगा, तो cos से गुणा किए तो ये हो गया भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा को अपन क्या कह सकते हैं भाई। अब इसकी जगह अपन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि भाई अपन को पता है sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तो अपन इसी की जगह sin लिख सकते हैं, तो भाई sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। अब इनकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते भाई, एक गुना cos स्क्वायर थीटा प्लस cosine स्क्वायर थीटा, एक लिख सकते भाई अपने, एक लिखा यहां पे, इसके बाद बचा अपन को sin थीटा cos थीटा बच गया,
अब बचने के बाद भाई अपन को क्या करना है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन, जो भाई अपन को बुमान अपन को याद हो जाए। करो भाई करो। करो भाई। देख भाई कि अपन ने ये लिखा हुआ है कॉस, तो इसको इससे काट देते अपन, काटा ना भाई तो क्या बचा भाई, यहां बचा इसको, ये क्या होता साइन बटे, ये क्या होता कॉस बचा, ये गुणा है तो क्या बचेगा भाई, अब इधर वन माइनस कॉस बच रहा है। अब साइन बटे कोस को, साइन बटे कोस को क्या कहते अपन, टेन, और बीस को अपन सेक कहते भाई। अब भाई बता भाई आया कि नहीं आया भाई, तो यार ये थोड़ी भी मेरे ऊपर निर्भर हो भाई, तुम भी करो यार, मैं पिछले चार पांच क्लास पढ़ा चुका हूं, उसके बाद भी अपन कुछ नहीं कर पा रहे, मैं थोड़ी देर शांत हो गया तो फिर ऐसे सोचने लग गया भाई कि यार आ नहीं दिया, आ नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि आप पे कितना आता भाई। तो देखो भाई, तो ये साइज ये अपन ने काटा, फिर अपने पास भी ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू अपन को चाहिए, तो आंसर आ गया भाई। देख तो अगला क्वेश्चन के बारे में, देख भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास में, तो अपन को कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट अप करना, जो अपन को पूछ रहा है वो मान रखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखना। देख भाई अपन के बोला भाई वन माइनस टेन उसे थीटा, भाई वन माइनस टेन उसे थीटा बराबर, अपन को इसकी बात करिए, टेन उसे थीटा बराबर क्या होता है भाई, देख साइन उसे थीटा बटे कॉस उसे थीटा, ये लिखा भाई अपने। उसके बाद भाई कॉट को क्या होता है, कॉट को होता है कॉस उसे थीटा बटे साइन उसे थीटा और एक माइनस, भाई थीटा नहीं लिखना भाई अपन को अपनी बात, थीटा नहीं है भाई अल्फा भाई, ये ऐसे लिखना भाई अपन को ना। तो भाई अपन को ये माइनस एक दे रखा है तो माइनस एक लिखा अपन ने, उसके बाद अपन भाई यहाँ पे लघुत्तम लिया अपन ने एक रखा, तो लघुत्तम लेने के बाद भाई क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये गया यहाँ भाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद अपन को यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी जो आएगा तो क्या भाई साइन उपसार अपन ने कॉमन लिया, सो साइन उपसार या अपन, उसके बाद भाई ये साइन से साइन यहाँ कुछ नहीं था एक माना, साइन से गया तो कॉस बच गया भाई, कॉस उपसार अपन माइनस साइन उपसार, ये हो गया। अब भाई जो भाग, ये भाग में तो गुना में करना, तो कैसे करेंगे भाई गुना में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, देख इधर देख भाई, तो अपन को दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा आ रहा भाई, थीटा नहीं आ रहा, तो देख भाई ये अपन को मतलब ये वाले ऊपर चली जाएगी, तो देख भाई इधर हो जाओ, यहां पे लिखा अपन ने कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, अब ये ऊपर चला जाए तो भाई यहां आएगा साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, गामा भाई गामा ना, तो देख भाई कोस स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर माइनस ये, तो ये ऊपर नीचे गुणा में कट गया भाई, तो क्या बच गया भाई ऊपर, अब क्या बच रहा कि साइन स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर गामा, इनके बराबर क्या होता भाई, ये काटा इनके मतलब काट नहीं सकते, मतलब ये बराबर होता है टेन की पावर दो बीटा, ये अपना आंसर है।
और ये दोस्तों अपन को यहाँ पे और ये वैल्यू, तो फिट आ गई वैल्यू दोस्तों। इस प्रकार से अपन को आंसर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देख भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। तो क्या कह रहा भाई, साइन बटे वन माइनस कॉस बराबर वन प्लस कॉस बटे साइन, इसको हल करने पर ये ला या फिर इसको हल करने पर ये लिया। तो देख दोस्तों कि अपन को साइन दे रखा भाई, साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, अपन को कैसे भी करना भाई आंसर तो लेके आना। तो अपन क्या करते भाई, अंश बह हर को वन माइनस कॉस थीटा से गुणा करने पर, भाई अपन गुणा कर देते दोनों, भाई गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, माइनस से कर लो या प्लस से कर लो, लेकिन अपन को क्या भाई, अरे यार सॉरी प्लस दे रखा तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्लस में लाना अपन को मान, प्लस में लाना, इसलिए अपन ने प्लस से गुणा किया, नहीं माइनस से भी गुणा कर सकते थे भाई। उसके बाद अपन ने इसको गुणा किया ऊपर, वन प्लस कॉस, वन प्लस कॉस थीटा। अब भाई एक से ऊपर कर दो गुणा, एक से नीचे कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इसको ऊपर बटे हुए सीखा तो काट देंगे तो फिर वो ही बचेगा ये वाला पोर्शन है। लेकिन अपन सुविधा के लिए बोला है, सर्वसम्मिका का मतलब यही है भाई, जहां तक मान रखा होना वहां तक कैसे भी करो, लेकिन ये आंसर अपन को लेके आना दोस्तों। तो देख भाई इसको गुणा किया तो वन माइनस साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा हो जाता भाई, और इनको किया वन से एक बार किया गुणा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है। तो देख भाई वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अब इधर कि साइन है साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, और जब नीचे अपन ने इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं तो ये साइन लिखा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा एक ऊपर एक नीचे तो ये कट गया, तो भाई क्या बचा भाई, वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा भाई। ये तो मान अपन को चाहिए था और ये मान अपन ने निकाल लिया, आया कि नहीं आया, तो ये अपना सिद्ध हो गया भाई, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने होते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन बेहतरीन तरीके से, कि साइन की पावर छह थीटा प्लस कॉस की पावर छह थीटा बराबर अपन को वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं अभी बार क्यू है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मतलब अपन को मान कैसे निकालना भाई, अपन को देखो सबसे पहले हम ये वाले पक्ष को हल करते हैं, उसके बाद ये पक्ष तो अपना स्वतः ही निकल जाता है। देखो दोस्तों तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या फिर अपन इसको कैसे कर सकते थीटा और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर तीन लगा देते भाई। अब पावर तीन लगा दी अपन ने तो हल करने पर अपन को वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी दोस्तों, वही वाली संख्या। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे अपन, देखो अब भाई तुम भी करा करो भाई इसको, देखो कि अपन को लिख सकते भाई कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा भाई एक बार इसको लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो बार लिख दिया प्लस का चिन्ह, क्योंकि इसको अपन लिखेंगे तो एक बार तो ऐसे लिखेंगे उसके बाद ऐसे लिखेंगे। अब जो लास्ट में अपन को आता है वो भाई मतलब ये हो गया भाई ए बी की पावर थ्री बार, ये हो जाता ये बदले। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, अपन और थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया भाई के माइनस में तीन नहीं आया भाई। तो अब इसको हल करते हैं अपन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, और एक का अपन क्यू करेंगे तो कोई मतलब नहीं भाई, एक का क्यू करो चाहे कुछ भी करो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है।
तो अपन ये प्लस जोड़ा तो क्या हो गया भाई, साइन की पावर चार थीटा प्लस कॉस की पावर चार थीटा, या हो गया भाई। तो इसको अब अपन और भी शॉर्ट कर सकते भाई, इसको अपन अब बढ़ाना चाहते हैं तो दो की पावर दो, दो की पावर दो ऐसे कर सकते हैं। तो भाई इसको वो जो लास्ट में अपना चल रहा है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया भाई। आज तो समझ में एक हीरा एक हीरा इनको गुणा किया अपन तो यह है ना भाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हो पावर की होगी ना। तो इसको अपन अब करते भाई कैसे, दो की पावर तो इसको किया अपने दो से तो चार आ गया, इसको किया तो चार आ गया, इसी प्रकार से अपन ये पास में आ जाता है। तो अब इसका विस्तार भी कर सकते भाई, देख कैसे विस्तार करना, क्यू का मतलब कुछ नहीं होता भाई अपन, क्योंकि अपन ने लिखा है वन माइनस साइन थीटा बराबर एक होता है, एक लिख लिया भाई, क्यू नहीं लिखना अपन भाई ठीक। इसकी जगह तो अपन ने ये लिखा भाई ठीक, इसको बनाया पहले, इसको खोला था इस ऐसे खोला, इसके बाद अपन ने भाई इसकी जगह मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये अपन ने ऐसे लिखा मतलब पावर दो लगा के फिर ये वाला माइनस वाला ऐसा लिखा ठीक। अब तो आ गया अपन समझ में, उसके बाद अपन क्या करते भाई आगे देखो, एक सूत्र होता भाई ए प्लस बी वाला, तो इसको क्या कर सकते ए की पावर दो प्लस बी की पावर दो प्लस टू ए बी होता भाई होता है, तो इसके हिसाब से अपन को इसको करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों तुम भी करो यार भाई, मैं खान तक करता हूँ आप भी करो यार भाई, करो करो भाई। ए लिखा हुआ है तो ए की पावर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया भाई। अपन ने इसके अकॉर्डिंग रख दिया भाई अब, और इससे पहले वो चली दिया ये वाला, तो इसकी जगह पर एक रख देते हैं भाई, इसकी जगह एक रख देते हैं क्या, और एक ही तो अपन लाना, तो माइनस एक चिन्ह माइनस का इसलिए भाई, तो इसकी जगह पूरी जगह अपने एक रखा एक प्लस टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वन माइनस एक और एक दो तीन हो गया, तीन साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भाई, यही तो लाना था अपन, और ये आ गया भाई। आया कि नहीं आया भाई दोस्तों, अब ये आने के बाद भाई एक का पावर तीन क्या है, तो ये अपन को आंसर लेके आना भाई, और ये अपन को आंसर आ गया राइट है, ये दो था भाई। तो इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो अपन करेंगे वो देखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हो चुके पूरे, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं वैसे भाई, मान को अपन को याद करना, मान याद है तो अपन आसानी से कर पाएंगे, कभी कभी क्या है कि अपन पढ़ने के बाद भी अपन हल नहीं कर पाते अच्छी तरह भाई, एग्जाम के अंदर अच्छा नहीं कर पाते, घर अच्छा कर लेते लेकिन एग्जाम के अंदर अच्छा नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि अपने आप पे विश्वास नहीं था। और जब तक भाई किसी पे विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन तो मुझे तो नहीं लगता कोई क्वेश्चन हल हो जाए। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई नॉर्मल क्वेश्चन है देखना, जिसको 6.1 में से ले रहा हूं मैं, कि साइन की पावर प्लस कॉस की पावर दो प्लस टेन की पावर टू प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये करना भाई। तो इसको कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो कैसे करना भाई, अपन को पता भाई ये बराबर भी एक होता है, ये बराबर भी एक होता है, तो एक प्लस एक क्या आ गया भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक होता है, टेन स्क्वायर प्लस कोट सॉरी बराबर भी एक होता है, तो अपन ने लिखे दो,
और आंसर आएगा आपके पास दो। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक जितने अपने दोस्त है जो मतलब 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए बेहतर वीडियो बनाया जा रहा है, तो भाई दोस्तों उनको जागरूक करो कि भाई यूट्यूब पर क्लास चल रही है प्रेम बुलबुल चैनल पर, तो उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो भाई। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों, और आपको नोटिफिकेशन मिलने के बाद तुरंत आप वीडियो देखो और लाइव भी आएंगे। कुछ ही दिन बाद जब आप हमारा योगदान देंगे तो हम लाइव भी आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें आपका योगदान चाहिए, इसलिए हम लाइव आना चाहते हैं, और लाइव इसलिए आएंगे जब इतने लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम लाइव सीधे पढ़ाएंगे, आपसे सीधी बात करेंगे भाई, तो सीधी बात करें तो हमें कमेंट भी पढ़ा जाएगा, उसके बाद आपको और भी अच्छे पढ़ाया जाएगा। वैसे ये भी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आज के लिए इतना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।